नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकोयस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर और वेब एप्लीकेशन के अंदर यूज़र आईडीज पासवर्ड्स कैसे बनाना है, इसके बारे में आज हम जानकारी ले लेंगे। लोकोयस मोबाइल एप्लीकेशन है एक ऐसा एप्लीकेशन है वो वेब में भी और मोबाइल में भी आराम से काम हो सकती है। तो लोकोयस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर हम क्या काम करते हैं, एक SHG बुक कीपिंग, वीवो बुक कीपिंग, CLF बुक कीपर, ये तीन का जो भी समाचार होता है वो यूज़र आईडी बना के हमको देने के बाद ये तीन का रोल्स हम प्रोफाइल बुक कीपिंग पूरा करके अपलोड कर सकते हैं। तो वेब में क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़रूर होना चाहिए URL लिंक। ओपन करने के लिए आप गूगल ब्राउज़र को ओपन करना है, उसमें वेब पेज में आप URL लिंक को टाइप करके सर्च करना है तो लोकोयस मोबाइल एप्लीकेशन का वेब पेज खुल जाएगा। इस वेब पेज में आपको क्रिएट करना है कि जितना भी लेवल्स है उनका यूज़र आईडीज एंड पासवर्ड, मतलब अब आप एडमिन हो। इसका मतलब है नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में, मतलब एक यूज़र आईडी क्रिएशन में 4 लेवल्स होता है। नेशनल लेवल, इसमें क्या है, आप नेशनल लेवल में नेशनल एडमिन, स्टेट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, ब्लॉक एडमिन, 4 एडमिन को क्रिएट कर सकते हो, मतलब जितना भी उसके नीचे अंडर में है उनका एडमिन क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद स्टेट एडमिन, स्टेट एडमिन में क्या होती है, स्टेट एडमिन के अंदर जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल एंड ब्लॉक का प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम मैनेजर एंड ब्लॉक का डीमैटिक यूज़र, डिस्ट्रिक्ट का डीमैटिक यूज़र एंड ब्लॉक का एडमिन, डिस्ट्रिक्ट का एडमिन को आप यूज़र आईडी क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होती है, आपको जितना भी ब्लॉक लेवल के अंदर काम करते हैं उनका यूज़र आईडी आप क्रिएट कर सकते हो। इसका मतलब है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी काम करते हैं वो ब्लॉक लेवल एडमिन को क्रिएट कर सकता है और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर को और ब्लॉक डीमैटिक यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, और ब्लॉक लेवल में एक एडमिन बना सकते हैं और SHG, वीवो, CLF, ई बुक कीपर्स को आप यूज़र आईडी क्रिएट करके पासवर्ड दे सकते हो। इसके बाद हर एक लेवल में, मतलब जितना भी लेवल्स है इसमें आप 2-2 मेंबर्स को यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हो। जैसे कि स्टेट लेवल में स्टेट एडमिन, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक लेवल में ब्लॉक एडमिन, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, मतलब हर लेवल में आप 2 रोल्स को बना सकते हो, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स दे सकते हो। इसके बाद नाउ हम बात करेंगे एडमिन। यहाँ पे एडमिन देख लीजिए, एक एडमिन को कहते हैं मेकर, क्योंकि वो यूज़र आईडीज को बनाते हैं और यूज़र आईडी क्रिएट भी कर सकता है और उसको रोल देता है, और ये जितना भी रोल्स दिया हुआ है उनको लिमिटाइजेशन अटैच करता है।
इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर को कहते हैं चक्कर। चक्कर को क्या कहते हैं, ये क्या काम करते हैं, यूजर वर्क को, मतलब जितना भी रोल्स दिया हुआ है, ये ई बुक कीपिंग हो, बुक कीपिंग जितना भी काम करते हैं, प्रोफाइल का काम जो भी बना चुका है, उस काम सही है गलत है वो चेक करता है, और करेक्ट है तो अप्रूवल दे देता और सही नहीं तो रिजेक्ट कर देता। और हम बात करेंगे डीमैटिक यूज़र। डीमैटिक यूज़र का मतलब है जितना भी गवर्नमेंट का जो भी सर्विसेज है, जो भी सर्विसेज अभी चल रहा है, उस सर्विस का सबको मिल रहे नहीं मिल रहे वो चेक करता है। इसके बाद डाटा पूरा वो लेता है, और मतलब जैसे कि एक SHG ग्रुप में एक मेंबर का बीमा जिस प्रकार बनी है, एक SHG मेंबर का नहीं, सारे SHG मेंबर्स का बीमा किस प्रकार बनी है, और वो 100% उनका सर्विस मिला नहीं मिला, वो डाटा लेके प्लान कर सकता है। इसको कहते हैं डीमैटिक यूज़र। मतलब आपको क्लियरली डीमैटिक यूज़र हैज़ ए रोल टू गेट द रिपोर्ट फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा टू आइडेंटिफाई द इन इम्प्लीमेशन ऑफ प्रोग्राम्स गवर्नमेंट सर्विस एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल एज फॉर द SHG मेंबर्स इंश्योरेंस हाउ मैनी हैव द इंश्योरेंस एंड हाउ मैनी डोंट हैव एज फॉर द एनालिसिस द थीमेटिक पर्सन कैन प्लान टू रीच 100% टारगेट। ये है। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ई बुक कीपिंग। ई बुक कीपिंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बुक कीपर, मतलब हु कैन कंप्लीट द बुक कीपिंग डिजिटली। जो भी ई बुकिंग का काम पूरा करता है उसको कहते हैं ई बुक कीपर। और हम अब चलेंगे LocoS मोबाइल एप्लीकेशन। हम LocoS मोबाइल एप्लीकेशन में वेब एप्लीकेशन में कैसे खोलते हैं। LocoS का URL लिंक लेके वेब एप्लीकेशन में डालेंगे। वेब पेज के अंदर सर्च करने के बाद LocoS वेब एप्लीकेशन का पेज खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको नेशनल एंड स्टेट ये दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। पहले हम चलेंगे नेशनल पे। नेशनल में जाने के बाद LocoS वो एप्लीकेशन, मतलब LocoS एप्लीकेशन के अंदर यूजर रोल, पहले यूजर रोल हम नेशनल में क्या बताया, नेशनल एडमिन, स्टेट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, ब्लॉक एडमिन, ये चार एडमिन होता है। इनका चार का एडमिन यूज़र एंड पासवर्ड, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ये बन जाएगा नेशनल के अंदर। इसके बाद हम चलेंगे स्टेट एडमिन। स्टेट एडमिन के अंदर यूज़र रोल क्रिएट करना है। देखिए यूज़र रोल एडमिन, ब्लॉक एडमिन, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, ब्लॉक डीमैटिक मैनेजर, ब्लॉक डीमैटिक यूज़र, CLF यूज़र, बुककीपर, CLF यूज़र, वीवो ट्रांस अप्रूवर, CLF यूज़र, SHG ट्रांस अप्रूवर, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट डीमैटिक यूज़र, नेशनल एडमिन, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर, नेशनल डीमैटिक यूज़र एंड स्टेट एडमिन, स्टेट प्रोग्राम मैनेजर, स्टेट डीमैटिक यूज़र एंड यूज़र आईडी, मतलब जिसने बना रहा है उनका
यूज़र आईडी नेम डालना है और वहाँ पे पासवर्ड डाल के लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसे दिखेगा स्टेट एडमिन आईएपी। आईएपी मतलब इंडियन आंध्र प्रदेश, क्योंकि आप आंध्र प्रदेश स्टेट का बना रहे हो इसलिए आंध्र प्रदेश आया। अगर दूसरा स्टेट का बनाओगे तो उसका जो भी कोड होती है, जैसे कि यूपी एमपी डीएल वैसा कुछ भी आपका वहाँ की स्टेट होता है उसका आ जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का आईएपी इंडियन आंध्र प्रदेश का बना रहे हो इसलिए आईएपी आया हुआ है। इसके बाद आप स्टेट एडमिन में लॉगिन हुआ इसलिए स्टेट एडमिन आया और पासवर्ड एंड लॉगिन, इससे एंटर हो जाओगे। एंटर होने के बाद आपको यूज़र लिस्ट दिखेगा। अगर इस यूज़र लिस्ट के अंदर देखो स्टेट आ गया, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, कैटेगरी यूज़र रोल, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। नाउ यू आर इन प्रोफाइल, देख लीजिए आप प्रोफाइल के अंदर है, प्रोफाइल बना रहे हो तो उसका टाइम शुरू हो जाएगा और वहाँ पे एक इंसान की जैसे चित्र बनी हुई है, उसका मतलब मैं बताऊंगी जब इसका टाइम आए। तो यहाँ देख लीजिए सर्च, पहले आपको सर्च करना है क्योंकि ऑलरेडी यूज़र आईडीज बनी है नहीं बनी हुई है, एक बार सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ भी नहीं दिखाई दिया तो आप क्रिएट कर सकते हो, अगर दिखाई दिया तो वो सही है तो फिल्टर करके, क्लियर फिल्टर करके देख सकते हो। अगर ज़्यादा हुआ तो, ज़्यादा है तो क्लियर फिल्टर करके देख सकते हो, वो सही है तो वैसा ही रहने दीजिए। और क्रिएट यूजर, आप सीधा अभी क्रिएट करने के लिए जा रहे हो तो सीधा आप क्रिएट यूज़र में चले जाइए। इसके बाद ऐसा आ जाएगा। जब इसके नीचे है देखो, यहाँ पे बनने के बाद आपको ये वाला खुल जाएगा, सीरियल नंबर, कैटेगरी, रोल, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर सॉरी ईमेल आईडी एंड डिजिग्नेशन स्टेटस एक्शन। ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा बन जाएगा जब आप इसको पूरा करोगे। तो नेशनल लेवल में हमने बात किया है नेशनल एडमिन, स्टेट एडमिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन, ब्लॉक एडमिन। तो ये सारे क्या कर सकते हैं, नेशनल लेवल में ये लोग एडमिन देते हैं। इसके बाद सर्च करने के बाद, ये तो मैंने बता दिया है यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद क्रिएट लिस्ट में देखना है या नहीं। इसके बाद क्रिएट लिस्ट के अंदर एंट्री हो जाओगे। एंट्री होने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद, क्रिएट यूज़र पर क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट न्यू यूज़र आ जाएगा। क्रिएट न्यू यूज़र के बाद जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए टाइम शुरू हो गए, यूज़र लिस्ट आया हुआ है। यहाँ पे हम अभी मंडल लेवल में बना रहे हैं, स्टेट एडमिन में गया है, स्टेट एडमिन में लॉग इन हुआ है और मंडल लेवल में हम, मतलब ब्लॉक लेवल में हम अभी बना रहे हैं। देखो कैटेगरी, कैटेगरी में क्या आया, जितना भी ये स्टार मार्क्स है ना, ये सब मैंडेटरी है, कंपलसरी इसको फिल करना है। कैटेगरी में ब्लॉक आ गया, रोल में ब्लॉक एडमिन और यूज़र नेम जो हमारा मंडल होती है उसका मंडल का नाम डालना है। यूज़र आईडी आईएपी कंपलसरी आ जाएगा वहाँ पे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमने जिसमें लॉगिन हुआ है वही आईएपी आ जाएगा यहाँ पे। और हमारा विलेज का नाम है, मंडल का नाम है और हम ब्लॉक एडमिन बना रहे, इसकी वजह से हम शॉर्टकट में बीए लिखा हुआ है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना, मोबाइल नंबर डालना, ये सारे डालना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डिजिग्नेशन, वहाँ पे मंडल लेवल में कौन रहता है ब्लॉक एडमिन, ब्लॉक मैनेजर, वो एपीएम रहता है, इसकी वजह से एपीएम लिखा हुआ है। हमारा पासवर्ड डाल दिया और री पासवर्ड डाल दिया। स्टेट,
हमने स्टेट ए आंध्र प्रदेश सेलेक्ट किया हुआ है, तो स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ब्लॉक हम जिस मंडल है, ये तीनों डालने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यूज़र लिस्ट सेव करने के बाद आपको नीचे देख लीजिए यूज़र लिस्ट आया हुआ है, मतलब दोबारा ऐसा खुल जाएगा यूज़र लिस्ट स्टेट आंध्र प्रदेश, वो अपने आप यहाँ आ जाएगा, ये सारी खाली आ जाएगा। खाली आने के बाद हमें क्या करना है, सर्च मारना है। सर्च मारने से यहाँ पे हमने जितना भी लिखा हुआ है वो आ जाएगा। इसके बाद क्रिएट यूज़र में चलेंगे। क्रिएट यूज़र में जाने के बाद हमको ऐसा क्रिएट यूज़र में चलेंगे, क्योंकि हमने ये एक बना दिया है, ये सेव हो चुका है, ब्लॉक एडमिन बना दिया, ये सेव हो चुका है। इसके बाद क्रिएट न्यू यूज़र में चलेंगे। क्रिएट न्यू यूज़र में क्या है, सेम पेज आ जाएगा, उसमें कैटेगरी में ब्लॉक, रोल में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, और हमारा मंडल का नाम, और आईएपी वहाँ आ जाएगा, हम लिखना है हमारा मंडल, और शॉर्टकट में मंडल लिखना है। इसके बाद वहाँ पे बीए लिखा हुआ, यहाँ पे बीपीएम ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, इसलिए यहाँ पे बीपीएम आ गया, और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिजिग्नेशन, पासवर्ड एंड री पासवर्ड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक, ये सारे फिल करना है। इसके बाद सेव करेंगे। इसके बाद दोबारा सेव करने के बाद ऐसा पेज आ जाएगा, हम वहाँ पे लिखना है आंध्र प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट का नाम और ब्लॉक का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद आपको देख लीजिए ऐसा एक लिखने के बाद आप देख लीजिए सर्च करना है। सर्च करने से ऐसा आ जाएगा, इसमें क्या है, सीरियल नंबर है, हमने जो रोल दिया हुआ है, जो कैटेगरी बना दिया है, जो यूज़र आईडी दिया है उसका लिस्ट आ गया, ब्लॉक लिखा हुआ है इसमें, ब्लॉक एडमिन और ब्लॉक यूज़र आईडी, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, डिजिग्नेशन एंड स्टेटस, ये सारे एक ही लाइन पे आ जाएगा। और मैंने तो आपको दिखाने के लिए ये लाइन्स खींचा था। इसके बाद ब्लॉक सेकेंड रोल, हमने दो बना दिया है आईडीज, वहाँ पे यूज़र आईडी दो बनाया, तो सेकंड रोल में ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, इसके बाद उसका यूज़र आईडी, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड डिजिग्नेशन एंड स्टेटस देख लीजिए एक्टिव में है, तो ये ग्रीन वाला मार्क दिखाई देगा। इसके बाद आपको देख लीजिए इसका जो भी है ये लास्ट में है, वो कैसे क्या है बताऊंगी। एक ब्लॉक की मतलब इस ब्लॉक में यूजर आईडी क्रिएट कर लिया हमने, उसका कैटेगरी, रोल, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डिजिग्नेशन, स्टेटस, ये सब दिखाई दे रही है ना। इसमें आखिरी में क्या लिखा हुआ, एक्शन, इस एक्शन के पास देख लीजिए तीन डॉट्स है, इस तीन डॉट्स का मतलब, वहाँ पे देख लीजिए एडिट यूज़र लिखा हुआ है, और चेंज पासवर्ड है, और इनएक्टिव यूज़र है। अगर इस यूज़र काम नहीं कर रहे, मतलब काम की नहीं है, नहीं तो डुप्लीकेट बना दिया हो, हम इसको इनएक्टिव यही कर सकता है। और एडिट यूज़र, इसमें यहाँ पे इस पेन के ऊपर क्लिक करके, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा दोबारा पेज खुल जाएगा, आप यूज़र को एडिट कर सकते हो। इसके बाद सेव कर दिया तो जो भी एडिट किया हुआ है, ठीक किया हुआ है, वो सेव हो जाएगा। इसके बाद आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, और अगर ये लोग एक्टिव में है तो हरा रंग आ गया, अगर इनएक्टिव में तो ऐसा
ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। और अभी मैंने बताया था ना, नाउ यू आर इन प्रोफाइल, इसमें इसके बाद टाइम वहाँ पे शुरू होगा। जितना टाइम में आप प्रोफाइल बनाते रहते हो उसका टाइम आते रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एक इंसान की जैसे चित्र बना हुआ है, इसके ऊपर टच करने के बाद आपने दो यूज़र आईडी बना दिया, मतलब यहाँ पे ये काम पूरा हो गया। इसके बाद यहाँ पे टच करने के बाद आपको ऐसा पेज खुलेगा। इस ड्रॉप डाउन में क्या लिखा हुआ है, हमने IAP में ना लॉगिन हुआ, हमारा लॉगिन का वो दिखाई दे रहे, लॉगिन IAP अंडरस्टूड, स्टेट एडमिन लिखा हुआ है, इसके बाद स्टेट एडमिन है, इसके बाद हमारा ईमेल आईडी है, इसके बाद भाषा है, हम जो भी लैंग्वेज बदलना चाहते हैं उसको भाषा चेंज कर सकते हैं, इसके बाद पासवर्ड बदल सकते हैं, इसके बाद लॉग आउट। अभी हम ये सारे नहीं करना क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़र आईडी पासवर्ड्स बना दिया, अब लॉग आउट हो जाएंगे। लॉग आउट होने के बाद मतलब लॉग आउट होने के लिए आपको कहाँ जाना है, यहाँ से सीधा यहाँ पे ब्लॉक बैक दिखा होता है, उसके बैक के ऊपर क्लिक करके लॉग आउट हो जाना है। लॉग आउट होने के बाद दोबारा आपको कौन सा पेज, ऐसा पेज खुल जाएगा, ऐसा वेब पेज आ जाएगा। पहले हम नेशनल में गया था, नेशनल में चार एडमिन को बना दिया, वो हो गया। दूसरा हमने स्टेट में गए थे, स्टेट में जाके स्टेट में एक ब्लॉक एडमिन एक ब्लॉक मैनेजर दोनों दे दिया। इसके बाद दोबारा हम कहाँ जाएंगे, स्टेट में चलेंगे, स्टेट में जाके हम स्टेट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टेट के ऊपर क्लिक करने के बाद वहाँ पे लिखेंगे ब्लॉक, वहाँ पे यूज़र रोल में क्या लिखेंगे, ब्लॉक एडमिन, यूज़र आईडी में IAP, हमारा मंडल क्योंकि हमने ब्लॉक के लिए बना रहे इसकी वजह से स्टेट नहीं बना रहे, हमारा मंडल का नाम डालेंगे, हमारा यहाँ पे ब्लॉक मैनेजर से एडमिन हो रहे हैं ना हम, इसकी वजह से BA लिखेंगे, इसके बाद पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको पहले जैसे खुला है वैसा ही खुल जाएगा। इसमें जो भी कुछ भी कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज करने की बातें नहीं है। यूज़र लिस्ट आ गया, इसमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड कैटेगरी, यूज़र रोल, यूज़र नेम, पासवर्ड सॉरी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब पहले जैसे खुल गया वैसा ही खुले। हर लेवल में हमें ऐसा ही दिखाई देगा हर लेवल में। तो इसमें जो भी बनाया हुआ है उसको सर्च मारेंगे, जो भी नहीं बनाया हुआ उसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद क्रिएट यूज़र, इसमें क्रिएट यूज़र के अंदर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्रिएट यूज़र में एंट्री हो जाएंगे। हमने जितना भी यूज़र आईडी पासवर्ड्स क्रिएट कर चुके हैं वो बहुत क्लियरली होना चाहिए, क्योंकि जब हम मैपिंग देंगे, मतलब जो भी ब्लॉक एडमिन होता है, जो भी स्टेट एडमिन होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिन होता है, ये तीनों क्या करते हैं, एडमिन का काम पहले हम बता चुके हैं, एक यूज़र आईडी क्रिएट करना है, दूसरा यूज़र आईडी करने के बाद उनका लिमिटाइजेशन देना है और उसका पासवर्ड यूज़र आईडी देने के बाद उसका रोल कहाँ तक है, उसका रोल में क्या काम करते हैं वो रोल भी क्रिएट करना है। इसका मैपिंग मतलब उसका लिमिटाइजेशन मतलब है मैपिंग, SHG मैपिंग, VO मैपिंग जो भी देते हैं ना, वो कौन दिया है उसको ठीक से समझ में आना चाहिए। इसलिए हम यूज़र आईडीज का लास्ट में BA BPM कंपलसरी रखते हैं। जब भी
जब भी कुछ प्रॉब्लम हो, मैपिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया हो, सीधा हम किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, यूज़र आईडी जो भी बनाया है, क्रिएट किया है, उसको देखेंगे। लास्ट में BA BPM लिखा होती है ना, उसको हम कांटेक्ट करके ठीक करवाने के लिए, सही सही से फिर से मैपिंग करके देने के लिए बता सकते हैं। इसलिए जो भी यूज़र क्रिएट करते हैं, एडमिन होता है, वो सही से यूज़र आईडी क्रिएट करना चाहिए। इसके बाद ब्लॉक एडमिन, हम ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर आ गया। ब्लॉक मतलब है हमारा भाषा में मंडल, इस मंडल में आ गया, ब्लॉक में आ गया। इसके पास क्या दिखाई दे रहा है, क्रिएट न्यू यूज़र, यूज़र नेम। यूज़र नेम है हमारा, जो भी यूज़र नेम होती है, हमारा नाम होती है, वो डाल देंगे। और यूज़र आईडी वहाँ पे देख लीजिए, IAP आया हुआ है, क्योंकि वो हम स्टेट लेवल में एडमिन हुआ है, स्टेट लेवल में एंटर हुआ है, मतलब लॉगिन हुआ है, इसकी वजह से वहाँ पे IAP आया है। अब ब्लॉक लेवल में काम कर रहे हैं हम, इस ब्लॉक लेवल के लिए, मतलब ब्लॉक कहाँ होती है, स्टेट में होती है ना, इस स्टेट में ये एक ब्लॉक है, इसके ब्लॉक के लिए हम काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम यूज़र आईडी के पास ब्लॉक AP आ गया है और हमारा यूज़र नाम डाल दिया। ईमेल एड्रेस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्टार नहीं है और मैंडेटरी नहीं है। और मोबाइल नंबर डाल देंगे और डिजिग्नेशन, हमारा ब्लॉक लेवल में कौन काम करता है, VOM मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट, ये काम करती है, तो इनका डिजिग्नेशन डाल देंगे। इसके बाद वही यहाँ पे देख लीजिए, क्रिएट न्यू यूजर के साथ साथ क्रिएट रोल आ गया, इसका मतलब है ये मेंबर मल्टी रोल कर रहे हैं, तो मतलब सॉरी इसमें एडमिन क्या क्या करते हैं, एक यूज़र आईडी बनाते और उसका रोल देते हैं, क्या काम करना है, रोल देते हैं। इसकी वजह से ये इस पेज में क्रिएट न्यू यूज़र एंड क्रिएट रोल आ गया। तो यहाँ पे क्रिएट यूज़र का सारे हमने भर दिया, तो यहाँ पे क्रिएट रोल बनना है। तो VOA का काम है, SHG में काम करती है ना, और इसका रोल SHG यूज़र बुककीपर, उसका रोल SHG यूज़र बुककीपर एंड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक और पंचायत, यहाँ पे विलेज देख लीजिए, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया, यहाँ से लेके दोनों वेब पेज में पूरा डिटेल्स आ गया। इसके बाद अगर ये SHG बुककीपर है, साथ साथ VO बुककीपर भी है, तो आपको ऐड रोल करना है। कुछ लोग होता है दोनों का काम एक ही बंदे करते रहते हैं, कुछ लोग होता है VO का काम ही करते हैं, उनको ऐड रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर VOA का काम और SHG का काम, दो बुक कीपर का काम कर रहे, तो आपको ऐड रोल में जाना है। ऐड रोल में जाने के बाद आपको सेम टू सेम एक कैटेगरी देना है। देख लीजिए, हमने जो भी बनाया था वो SHG बुक कीपर बनाया था ना, यहाँ पे SHG बुक कीपर बनाया, तो यहाँ पे SHG यूज़र बुककीपर और स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक एंड, अगर वो सही नहीं तो आप वहाँ पे एक्शन में डिलीट भी कर सकते हो, दोबारा दे सकते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने ऐड रोल किया था ना, ऐड रोल में क्या आया था, कैटेगरी VO कैटेगरी है वो, और रोल VO यूज़र बुककीपर, मतलब वहाँ पे SHG रोल दिया हुआ है, यहाँ पे हम VO रोल भी दे रहे हैं। इसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक पंचायत विलेज एंड ये बना दिया हमने
सेव कर देंगे, सेव यूजर डिटेल्स। अगर वो SHG बुक कीपर, वीवो बुक कीपर और CLF भी देख रहे, नहीं तो अकाउंटेंट का काम भी देख रहे, कुछ भी हो, इसके बाद अगर एक्स्ट्रा रोल कर रहे तो हमने ऐड रोल करेंगे, नहीं तो ये दोनों मल्टी रोल्स करके सेव यूज़र डिटेल्स। कंपलसरी है सेव यूज़र डिटेल्स में क्लिक करना है, नहीं तो ये जो भी हमने बनाया था ना ये सेव नहीं होगा। इसके बाद सेव करने के बाद आपको ऐसा होगा, देख लीजिए आपका सीरियल नंबर आ गया, और हमने तो कुछ सीरियल नंबर डाला नहीं, लेकिन वो एक यूज़र आईडी बनी है, दो यूज़र आईडी बनी है, वो दिखाई दिया है ना। और कैटेगरी SHG कैटेगरी बनाया, वीवो कैटेगरी बनाया, रोल देख लीजिए SHG बुक कीपर भी है, वीवो बुक कीपर, और स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, और एक्शन, ये सब आ गया। यहाँ पे वो बंदे दो रोल्स कर रही है, इसकी वजह से दो यूज, हाँ दो रोल्स कर रही है, इसका मतलब है आप दो यूज़र आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही यूज़र आईडी में, एक ही यूज़र आईडी में दो रोल्स दे चुके हो, समझे? मतलब दो यूज़र सेपरेट सेपरेट काम कर रहे तो आप दोनों को अलग अलग यूज़र आईडी बना के दोगे, लेकिन एक इंसान है, एक ही इंसान है, एक ही यूज़र आईडी दोगे, वो दो काम कर रही है, तो आपको एक ही यूज़र आईडी से काम बन जाती है। तो इसके बाद देख लीजिए यूज़र लिस्ट आ गया, कहाँ पे गए थे आप? यूज़र रोल सेव करने के बाद, यूज़र रोल सेव कर लिया, यहाँ पे सेव कर लिया ना, यहाँ पे सेव कर लिया, तो आपको फिर से यूज़र लिस्ट आ गया। तो वहाँ पे देख लीजिए टाइम चलती रही, इसमें देख लीजिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दिया, स्टेट पे स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो डाल दीजिए, और ब्लॉक डाल दीजिए। इसके बाद वहाँ पे सर्च सर्च दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे ब्लू कलर में सर्च होगा, उस सर्च के ऊपर टच कर लीजिए, क्लिक करने के बाद आपको देख लो ये कि यूज़र आईडी आ गया, और एक यूज़र का नाम आ गया, और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वीवो, ये मतलब वहाँ पे मोबाइल के अंदर चले गया उसका जो भी एक्शन है, उसका रोल्स क्या है वहाँ पे चले गए, तो वो अपना ईमेल, सॉरी अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालते ही खोलने के बाद वो वीवो बुक कीपिंग भी कर सकते हैं, और SHG बुक कीपिंग भी कर सकते हैं। और वहाँ पे देख लीजिए स्टेटस, स्टेटस में एक्टिव आ गया, और तीन डॉट्स का लिए बताऊंगी मैं, इसके बाद आखिरी में डिटेल्स, ये डिटेल्स वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। स्टेटस, फर्स्ट स्टेटस है एक्टिव है, काम कर रहे हैं तो एक्टिव में आ गया, और एक्शन, एक्शन में देख लीजिए 3 डॉट्स है ना, इसका 3 डॉट्स का मतलब है वहाँ पे देख लीजिए इसके पहले भी 3 डॉट्स आया हुआ है, तो उसमें चेंज पासवर्ड है, और ऐड मोर रोल्स, अगर इसके साथ साथ दो रोल्स दे चुकी हो और भी रोल्स देना चाहे तो इसके ऊपर क्लिक करने से सीधा रोल के पास चले जाओगे, और इनएक्टिव, अगर इस रोल्स में कोई काम नहीं कर रहे तो आप वहाँ पे इनएक्टिव कर सकते हो, अगर ये गलत लिख दिया तो डिलीट यूज़र कर सकते हो। डिलीट यूज़र करने के बाद आपको जितना भी रोल्स वगैरह बना दिया है ना सारे उड़ जाएगा, तो चेक करके डिलीट करना है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए आई के पास चलेंगे, आई डिटेल्स, डिटेल्स मतलब समाचार, इट्स डिटेल्स में क्या है, ये डिटेल्स को ब्लॉक एडमिन है ना, वो ब्लॉक मैनेजर, मतलब ब्लॉक एडमिन के अंदर जो भी ब्लॉक मैनेजर है वो इसके ऊपर क्लिक करके वो जितना भी रोल्स दिया है उस रोल्स में
क्या काम करते हैं वो सब चेक करके वो सही है और क्या नहीं है वो देखता है, मतलब हमारा हमारा स्टेट में क्या होती है, हमारा स्टेट में ब्लॉक मैनेजर मतलब है एपीएम, एपीएम चेक करते हैं, चेक करके वो सही है गलत है वो देख के, मतलब ये एपीएम ब्लॉक एडमिन का और ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर का दोनों रोल प्ले कर सकते हैं। और ये बंदे क्या करते हैं, हमने जो भी डिटेल्स लिखा हुआ है फिल कर दिया है, हमने प्रोफाइल बनाया है, उसको चेक करके वो सही है नहीं है वो अपने आप देख के, वो जिसको मतलब SHG को और वीवो को मैपिंग देते हैं, मतलब ब्लॉक एडमिन यूजर क्रिएट करने के बाद, इसके बाद इस आंख के ऊपर टच करके मतलब आई सिंबल है ना, इस आई सिंबल के ऊपर टच करके करने के बाद वहाँ पे खुलेगा प्लस बटन, कैसे ऐसा देख लीजिए। वो ब्लॉक मैनेजर ने खोला है, खोलने के बाद आपको ऐसे दिखाई देगा एपी मतलब सॉरी यूज़र आईडी, यूज़र नेम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर और डिजिग्नेशन और एक्शन स्टेटस। इसके बाद रोल डिटेल्स, ये है रोल डिटेल्स, मतलब वहाँ पे दो कैटेगरी आ चुकी है रोल्स, SHG बुक कीपर, वीवो बुक कीपर आ गया है, स्टेटस एक्शन सॉरी एक्टिव में है, और यहाँ पे ये गलत है तो वहाँ पे एडिट रोल कर सकते हो। इसके बाद मिस्टेक्स आ गया तो एडिट रोल कर सकते हो, पूरा गलत है तो डिलीट कर सकते हो। इसके बाद मैपिंग देना है, देख लीजिए मैप्ड CBO काउंट, इसमें आप प्लस गुर्त पे प्लस सिंबल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको SHG बुक कीपर के लिए मैपिंग दे सकते हो, देख लीजिए ऐसा पेज, इसमें क्या लिखा हुआ है, यूजर परमिशन AP, मतलब यूजर परमिशन है और हमारा यूज़र नाम लिखा हुआ है ना वो आ गया। ये प्रोफाइल की कौन बना रहे, देख लीजिए यू आर इन APM प्रोफाइल, APM प्रोफाइल मतलब जो भी ये लिस्ट बना रहे हैं ना, मैपिंग दे रहे वो APM है, और बैक का है और यूज़र लिस्ट है, मतलब जितना भी यूज़र आईडी है उसका लिस्ट भी आ जाएगा। उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए ग्राम पंचायत विलेज, अब CLF नहीं बनाया तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो वीवो मतलब यहाँ पे देख लीजिए ग्राम पंचायत विलेज एंड वीवो तीनों का नाम आ चुकी है, मतलब आएगा नहीं, हमको लिखना है डालना है, टाइप करना है। इसके बाद देख लीजिए SHG नॉट लिंक्ड, जितना भी यहाँ पे SHG से सारे SHG यहाँ पे देख लीजिए, SHG काउंट के अंदर देख लीजिए 148 है, ये लिंक्ड SHG से मतलब किया हुआ है वो, वहाँ पे देख लीजिए अनलिंक्ड SHG नेम है, प्लीज सेलेक्ट, कहाँ सेलेक्ट करना है ये बॉक्स के अंदर सेलेक्ट करना है। जो भी आप इस वीवो के अंदर, इस वीवो जो भी है इसको देना चाहते हो, जितना भी SHG देना चाहते हो वो यहाँ पे बॉक्स के अंदर टिक करना है। टिक करने के बाद बीच में देख लीजिए ये वाला हरा वाला बॉक्स, इसमें एरो मार्क है, इसके ऊपर टच करने से यहाँ पे जो भी सेलेक्ट किया हुआ है वो सारे अनलिंक्ड में जो भी SHG सेलेक्ट किया हुआ है, ये SHG लिस्ट है, देख लीजिए ये SHG लिस्ट है, याद रख लीजिए आप SHG प्रोफाइल को ही मैपिंग दे रहे हो, SHG यूज़र आईडी को मैपिंग दे रहे हो, तो यहाँ पे SHG अनलिंक्ड नेम्स आ गया, वो लिस्ट में से आप सेलेक्ट करोगे, जितना भी देना है वो यहाँ पे बीच में एरो मार्क को दबा के इस तरफ
दे दोगे। अगर इसमें ज़्यादा आ गया मतलब ये इसमें जितना भी दे दिया, ये एक वीवो में फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए एक 60 SHG ग्रुप से 60 में से 10 उसका नहीं है, तो वो सारे 10 को फिर से ऐसा बॉक्स रहता है, इस बॉक्स के ऊपर आप टच करोगे क्लिक करके, वो 10 SHG को यहाँ पे देख लीजिए इस तरफ एरो मार्क इस तरफ बने हुए ना अनलिंक्ड के तरफ, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरा के पूरा SHGs इस तरफ आ जाएगा, मतलब जो लिस्ट जो लिंक्ड है वो इस तरफ करोगे, वो अनलिंक्ड है इस तरफ कर दोगे। ऐसा फिर करने के बाद आपको क्या होगा, जितना भी अनलिंक्ड लिस्टेज में है वो ऐसा मार्क्स में दिखाई देगा। इस सिंबल्स को देख लीजिए, आप सिंबल्स को अच्छे से याद रख लीजिए, डब्बा की जैसे है उसमें क्लिक करोगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, ऐसे मार्क में क्लिक करेंगे तो जो भी मैप्ड है सॉरी अनमैप्ड में है वो मैप्ड हो जाएगा ऐसा। इसके बाद ऐसा देख लीजिए, ऐसा इसको क्या कहते हैं एरो मार्क है, एरो मार्क में क्लिक करने के बाद जितना लिंक्ड में है वो उसका नहीं है तो अनलिंक कर सकते हो ऐसा। इसके बाद आप सेव कर दोगे, सेव करने के बाद ही वहाँ पे देख लीजिए सेव है, यहाँ पे सेव करना बहुत ज़रूरी है तभी इस काम पूरा होगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिए बैक, इस बैक बटन के ऊपर दबा दोगे तो फिर से आपको ऐसा पेज खुल जाएगा। इस पेज में देख लीजिए अब वीवो मैपिंग सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, ऐसा हमने जितना भी VOS जितना भी SHGs बुक कीपर को दे दिया वो SHG यहाँ पे मैप्ड में मैप्ड CPU काउंट में आ जाएगा। इसके बाद आपको अब SHG कंप्लीट हो चुका है तो वीवो को कर दोगे। वीवो को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वीवो के ऊपर प्लस करोगे, प्लस बटन के ऊपर टच करोगे, टच करने के बाद आपको देख लीजिए हमने वीवो का दे रहे हैं ना, वीवो का जितना भी दे रहे हैं ना उसका मैपिंग का वो खुल जाएगा। ऐसा ही जितना भी वीवोस का दे रहे हैं वो मैपिंग खुल जाएगा। खुलने के बाद आप ग्राम पंचायत डालोगे, विलेज डालोगे, वीवो डाल दोगे। डालने के बाद आपको जितना भी वीवो मैपिंग है यहाँ पे यहाँ पे वीवो मैप्ड आ जाएगा, यहाँ पे भी वीवो मैप्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस जितना भी है इस बॉक्स के अंदर वो सेलेक्ट करोगे, जो एक वीवो देना चाहते हो तो एक वीवो यहाँ पे टिक करोगे, टिक करते ही बीच वाला एरो मार्क दबाते ही आपको लिंक्ड मैप वीवो मैपिंग लिंक्ड में आ जाएगा। इसके बाद सेव कर दोगे, सेव करने के बाद मतलब आपने एक वीवो को मैपिंग दे दिया और SHGs को मैपिंग दे दिया, तो आपको देख लीजिए यूज़र आईडी एक ही यूज़र आईडी आया है, यूज़र नेम एक ही यूज़र नेम आ गया है और मोबाइल नंबर मतलब जिसका है वो उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा और वीवो ये रोल में है और स्टेटस एक्टिव में है। तो यहाँ पे देख लीजिए सीरियल नंबर कैटेगरी रोल रोल स्टेटस एडिट रोल, यहाँ पे भी आप रोल को एडिट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। इसके बाद मैप्ड CPU अकाउंट में देख लीजिए 2-1 मतलब यहाँ पे 2 नहीं है, मैं फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है वीवो तो एक ही मिल जाएगा लेकिन वहाँ पे जितना भी वीवो के अंदर ग्रुप्स है वो सारे ग्रुप्स आ जाएगा। इसके बाद सेव कर दोगे, इसके बाद मैपिंग दे दिया ना, देने के बाद लॉग आउट कर दोगे।